दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सामने अजमेर शरीफ में एक हिंदू पंडित के साथ घटी एक सच्ची कहानी पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। उससे पहले, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी यह है कि एक हिंदू पंडित रोज दूध का बर्तन लेकर उनके देवता की मूर्ति के पास जाता था और वो सारा दूध उनके चरणों पर उढ़ेलकर उनके लिए भेंट करता था। लेकिन एक दिन उस हिंदू पंडित के बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप रोज डिब्बे में दूध लेकर कहाँ जाते हैं? ये सुनकर हिंदू पंडित ने अपनी बेटी से कहा, माँ, मैं अपने भगवान के चरणों में दूध चढ़ाने जाता हूँ। ये सुनकर लड़की बोली, पिताजी, क्या देवता दूध पीते हैं? लड़की के मुंह से ये सुनकर पंडित ने जवाब दिया, नहीं बेटे, वो दूध नहीं पीते, मैं उनके चरणों में दूध अर्पित करता हूँ। फिर लड़की बोली, पिताजी, अगर वो दूध नहीं खाते तो आप रोज रोज दूध लेकर क्यों जाते हो? फिर पंडित ने जवाब दिया कि बेटी, ऐसी बकवास नहीं करती है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि देवता दूध नहीं पीते। लड़की ने कहा, पिताजी, मैं कल दूध ले जाऊंगा और भगवान को भी पिलाऊंगी। पंडित ने कहा कि बेटी ऐसी बातें नहीं करती। लेकिन बेटी के बार बार जिद करने पर पंडित ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन एक बात जान लीजिए कि आप मंदिर तो जाएंगे, लेकिन तब जब वहाँ कोई ना हो। अगले दिन लड़की एक कप में दूध लेकर मंदिर जाती है और मंदिर में सबसे बड़े देवता की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम भगवान हो तो दूध पी लो। लेकिन मूर्ति चुप रही। फिर लड़की ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी भगवान हो और मेरी बात सुन रही हो तो ये दूध का प्याला लो और दूध पी लो। वो बार बार जीत करता रहा और अंत में लड़की को गुस्सा आया और वो बुद्ध के पैरों पर अपना सिर पीटने लगी। लड़की ने जीत करने लगी कि अगर आप मेरे भगवान हो तो ये दूध तुम्हें पीना ही होगा, तभी मैं घर वापस जाऊंगा, नहीं तो यही प्राण त्याग दूंगी। हालांकि बेचारी लड़की को कैसे पता चलेगा कि बुद्ध कभी नहीं हिलते हैं, इसलिए लड़की रोती रही और बार बार वही शब्द कहती रही। लेकिन लड़की भाग्यशाली थी कि उस समय हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुला देखा और देखा कि एक लड़की काप लेकर बुद्ध के सामने खड़ी है, उसके सिर से खून बह रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह मंदिर के अंदर गए और लड़की से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, आपको क्या हुआ, तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है। लड़की ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे की ओर देखा और कहा, बाबा जी, आपका मुझसे क्या रिश्ता है, ये मेरे और मेरे भगवान के बारे में है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने फिर लड़की से कहा, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं अब अपने भगवान को दूध पिला रहा हूँ, पीने के लिए कह रहा हूँ, ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूँ और सभी को बता सकूँ कि हमारे भगवान भी सुनता है, खाता है और पीता है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की से कहा कि मूर्ति कभी नहीं हिलती है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तब लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं अपने भगवान को दूध पिलाकर ही यहाँ से जाऊंगा, अगर वो दूध नहीं पिएगी तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने एक लड़की में ये भावना देखी तो वो बुद्ध के पास गए और बुद्ध का हाथ पकड़ कर कहा, तुम दूध क्यों नहीं पी रहे हो, तुम लड़की को इतना क्यों रुला रहे हो, क्या आप इस लड़की के सिर से बहता खून नहीं देख सकते? जैसे ही हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का हाथ मूर्ति पर पड़ा, वो हिलने लगी। उन्होंने दूध का प्याला उठाया और पीने लगे। जब बुद्ध दूध पीते हैं तो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। जब लड़की अपने गांव जाती है तो गांव वालों लड़की की हालात देखकर पंडित से कहते हैं कि आज तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी है, उसके सिर और कपड़े पर खून लगा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके बच्चे के साथ छेड़छाड़ की है। गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए और बोले, बताओ तुम्हें क्या हुआ,
तुम्हें ऐसा किसने बनाया? लड़की मुस्कुराती है और जवाब देती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है, मैं अपने भगवान को अपने हाथों से दूध पिलाती रही हूँ। लड़की के मुंह से ऐसी अजीब बातें सुनकर सभी गांव वाले कहने लगे कि पंडित की बेटी पागल हो गई है, ये लड़की पागलों की तरह बात कर रही है। फिर लड़की जवाब देती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ आओ, मैं देवता को भजन कराते समय तुम्हारे सामने ही रहूंगी। अगले सुबह गांव के सभी लोग मंदिर में आते हैं और इकट्ठा होते हैं। पंडित और उसकी बेटी भी जाते हैं। लड़की बुद्ध से कहती है, हे भगवान दूध पीजिए। वो ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार कहती है, लेकिन बुद्ध बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ मौजूद सभी गांव वालों कहते हैं, लड़की ऐसी मूर्खतापूर्ण बात मत करो, देवता चलते नहीं है। लड़की कहती है, भगवान मेरी इज्जत के खातिर दूध पी लो, लेकिन बुद्ध फिर भी नहीं हिलते। फिर लड़की बुद्ध से कहती है कि अगर उन्होंने दूध नहीं पिया तो वो काल का उस बाबा जी को बुलाएगी। जैसे ही लड़की के मुंह से ये शब्द निकले, बुद्ध ने दूध का प्याला उठाया और पूरा पी लिया। इस पर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और बोले, बेटी काल वाला वो बूढ़ा बाबा जी कौन है जिसका नाम तुमने लिया? तब लड़की जवाब देती है कि मैं उसका नाम पता नहीं जानती, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो वहाँ गई है। सभी गांव वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहियो को ढूंढने लगते हैं, जिसे सुनकर भगवान बुद्ध ने कल दूध पिलाया। तब सभी गांव वाले रहमतुल्लाह अलैहियो के चरणों में गिर पड़े और बाबा जी से पूछा कि ये कौन सा दूध है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगते है। तब ख्वाजा बाबा ने कहा कि बुद्ध ने जो दूध पिया वो कोई जादू नहीं था, बल्कि ये सब मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान अल्लाह का सौभाग्य था। ये सुनकर लोग कहते हैं कि बाबा जी आपके गुरुदेव कौन है? तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जवाब दिया कि मेरा रब ही सबको जीवन और मौत देता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्थर भी नहीं हिल सकते, वो जमीन और आसमान का मालिक है और बरकत देने वाला है। तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला से हर कोई बड़े आदब से पूछता है कि आप कौन है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जवाब दिया, मेरा धर्म इस्लाम है। और इतना कहते ही लड़की के पिता रहमतुल्ला के पैरों में गिर पड़े और बोले, पिताजी आप हमारे बुद्ध को दूध पिलाइए, हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाओ। इसके बाद सभी गांव वाले उनके पैरों पर गिर पड़े और कलमा पढ़कर सब मुसलमान हो गए। एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्ला अलैहि जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ लोग आग के पूजा करने लगते थे। उन्होंने इतनी मेहनत और मुजाहिदा की, 6 महीने तक खाना भी नहीं खाया। ये देखकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्ला अलैहि ने उनसे आग की पूजा के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि हम आग की पूजा करते हैं ताकि ये आग हमें नर्क में पीड़ा ना दे। उन्होंने कहा कि ये नर्क से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसके बजाय अल्लाह से प्रार्थना करें कि वो खुद को नर्क के आग से बचाएगा, फिर ये आग तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम इतने समय से आग की पूजा कर रहे हो, अपना हाथ आग में डाल कर देखो। उन्होंने कहा, आग का काम जलाना है, यदि हम उसमें हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ जल जाएंगे, परंतु तुम कहते हो कि अल्लाह की इबादत करेंगे तो आग नहीं जलेगी, क्या तुम्हारे पास इसके कोई प्रमाण है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि हम अल्लाह के बंदे हैं, मेरे शरीर की तो बात ही छोड़ो, ये आग मेरे जूते भी नहीं जला सकती। इतने कहकर उसने अपना एक जूता आग में डाल दिया और उसका जूता काफी देर तक आग में पड़ा रहा, लेकिन उस पर आग का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत ख्वाजा बाबा का हाथ थाम लिया और मुसलमान बन गए। बेशक अल्लाह के बंदे को कोई डर या गम नहीं है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह हम सभी को अच्छे काम करने की कृपा प्रदान करे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, नहीं तो इस बारे में आपका क्या विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। साथ ही अगर आपको इस वीडियो का पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।